लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में आज 12 वफात के जुलूस का पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस फोर्स ने शहर के मुख्य बाजार से होते हुए यह मार्च निकाला, जिसमें आमजन से एक होने और भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। जी हाँ, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स ने शामिल होकर एकता का संदेश दिया और जुलूस के दौरान लोगों को जागरूक भी किया। अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद फिरोजाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं जुलूस निकालने की तैयारी फिरोजाबाद प्रशासन ने पूरी कर ली है। जुलूस के दौरान कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही भारी संख्या में पुलिस की अलग अलग जगह तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस के निकलने वाले रास्तों पर सभी प्रशासन के अधिकारियों ने भारी बल के साथ पैदल मार्च भी निकाला। वहीं अधिकारियों ने जनता से अमन चैन रखते हुए आपस में भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। भैया भैया पीछे चल रही है। पूरे शहर क्षेत्र में तीन थाना क्षेत्रों में तीन प्रमुख जुलूस हैं और इन सभी रूटों का भ्रमण कर लिया गया है। नगर निगम द्वारा साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था की जा रही है। नगर आयुक्त साहब स्वयं भी रूट का भ्रमण करके गए हैं अभी, और हम लोगों ने कल भी भ्रमण किया था और आज भी भ्रमण करके सभी लोगों से बातचीत करके मुफ्ती साहब से, काजी साहब से, सभी लोगों से हम लोगों ने संपर्क करके और इसे सफल संपन्न कराएंगे। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया है उसके बाद से हम लोगों की तैयारियां और जो हम लोगों के फुट पेट्रोलिंग और गश्त थी वो और तेज़ हम लोगों ने की, और इसमें हम लोगों ने जो स्थानीय लोग हैं, जो चौराहे हमारे हैं, उन सभी लोगों पर लोगों से बात भी किया और लोगों की तरफ से एक हम लोगों को आश्वासन भी दिया गया और हम लोगों ने इसको देखा भी कि सभी लोग फैसले का सम्मान कर रहे हैं और कहीं से किसी प्रकार की कोई अप्रिय बात अभी तक सामने नहीं आई है। कल 12 वफात का जुलूस निकलेगा, उस संदर्भ में भी हम लोगों की सभी धार्मिक गुरुओं से भी बात हुई है। अभी हमने और जिलाधिकारी महोदय ने सभी लोगों के साथ उस रूट का भ्रमण भी किया है और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको ये आश्वस्त किया है कि उनको जुलूस निकालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम पूरा पुलिस प्रशासन आप सभी लोगों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और हम सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।